नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ व्रत कथा का पाठ करना वाजपेय यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। इंद्रा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। इस साल इंद्रा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर को रखा जाएगा। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से पितरों के निमित्त श्राद्ध और दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ पाठ करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा का वर्णन महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा माहिष्मति नामक क्षेत्र पर शासन किया करते थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से अपना राजकाज कर रहे थे। एक बार देवर्षि नारद का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वो यमलोक गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई थी। नारद जी ने कहा, आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जाकर मेरे पुत्र और संतति से कहिएगा कि यदि वो अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखें तो उसके भाग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गोदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया और इंदिरा एकादशी के व्रत करने के पुण्य के कारण राजा इंद्रसेन को भी अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को मुक्ति मिल जाती है और आपको उनका आशीर्वाद। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करें। अपने पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और चावल का भोग लगाएं और यह ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती को जरूर रखें। पूजा करने के बाद पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अपनी क्षमता के हिसाब से दान दें। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। आज की कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।